पे खड़ी कर दी है। और खड़ी करने के बाद यहाँ मैं आपको एक बहुत ही यूनिक सी पार्किंग दिखाता हूँ। तो ये देखिए एक पार्किंग है और इसमें लिखा हुआ है पार्किंग लॉट अवेलेबल 875, यानी 875 गाड़ियाँ यहाँ पे और खड़ी हो सकती है। तो ये नॉर्मल पार्किंग नहीं है जैसे हम गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, ये बेसिकली एक मल्टी लेयर अंडरग्राउंड पार्किंग है, यानी 8 मंजिल तक नीचे गाड़ी ऑटोमेटिकली जाके खड़ी होती है और कोई भी ड्राइवर नहीं होता, सिर्फ आपको नंबर बताना होता है और नंबर बताने के बाद डायरेक्टली आपकी गाड़ी 8 मंजिल नीचे जाके खड़ी हो जाती है और जैसे ही हम उसको नंबर फिर से बताते हैं तो वो गाड़ी वहाँ से निकल आती है। तो यहाँ पे लगभग 1000 के आसपास गाड़ियाँ खड़ी होती है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और मैं आपको पूरा सिस्टम दिखाता हूँ, क्योंकि काफ़ी यूनिक है और लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी भी बनी हुई है, ऐसी मैंने आज से पहले कहीं भी नहीं देखी है इस प्रकार की पार्किंग। तो इसके अंदर चलते हैं और आपको गाड़ी खड़ी करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार अंदर गाड़ी जाती है और किस प्रकार निकलती है। सो फ्रेंड्स, मैंने गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी है और खड़ी करने के बाद यहाँ पे लिफ्ट का जो डोर है वो बंद हो रहा है और यहाँ पे जो गार्ड होता है वो यहाँ पे एंट्री कर देता है। और ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा होल है जहाँ से मैं दिखाता हूँ कि किस प्रकार से गाड़ी नीचे जा रही है। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे कि लगभग ये 7-8 मंजिल से ज़्यादा ही है लगभग। मैंने यहाँ पे पूछा था तो वो बता रहे थे 1000 के आसपास यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती है। तो इसमें अभी भी कोई भी ड्राइवर वगैरह नहीं है, ये ऑटोमेटिकली नीचे जाएगी और ऑटोमेटिकली पार्क हो जाएगी। और पार्क होने के बाद अब वापस इसको मंगवा के देखते हैं। तो अभी पार्क कर दी थी तो यहाँ पर नंबर लगा दिए हैं गाड़ी के और अभी ये वापस आएगी तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी स्कैनिंग चल रही है कि ये गाड़ी खड़ी कहाँ पर है। बेसिकली यहाँ से एंट्री कर दी गई है और करने के बाद जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की, गाड़ी जो है वो आएगी प्लेटफॉर्म पे। ये देखिए पीछे ऑटोमेटिकली आ रही है और आने के बाद ऊपर आएगी और ऊपर आने के बाद ये दोनों साइड से इसके जो गेट हैं वो खुल जाएंगे और खुलने के बाद सिंपली जो गाड़ी है वो बाहर निकलेगी। तो काफ़ी अच्छा सिस्टम है, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि जो मल्टी लेयर पार्किंग जो होती है जहाँ पर, तो वहाँ पे घूमते घूमते या ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है कि गाड़ी खड़ी कहाँ पे है या कौन से फ्लोर पे खड़ी है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है और ये दिल्ली हाई कोर्ट का सीन है दोस्तों। दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर जो पार्किंग है एडवोकेट्स के लिए वो है बेसिकली। तो ये हमारी गाड़ी यहाँ से बाहर निकल रही है। तो काफ़ी अच्छा सिस्टम लगा मेरे को और ये है भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मैंने आज से पहले ऐसा कहीं देखा भी नहीं था। तो ये डोर अपने आप खुल जाएगा, यहाँ पर किसी भी इंसान का काम नहीं होता, बस एंट्री करने का काम होता है और यहाँ से निकाल सकते हैं सिंपली।